नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नवंबर के महीने की राशिफल की और बात हो रही है कन्या राशि की। आइए हम बतलाते हैं ये महीने आपके सितारे क्या कह रहे हैं। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं धन से। ये महीना बहुत अच्छा है, खर्चे कम होंगे और आमदनी ज़्यादा होगी, यानी कि पैसे के आने के जो फ्लो हैं वो ज़्यादा रहेंगे, नए नए स्रोतों से धन आएगा। आपने जहाँ सोचा नहीं होगा वहाँ से भी आपको धन लाभ की योग बन रहे हैं और आपको धन भी प्राप्त कराएगा। दोस्तों, ये समय अच्छा है, बेहतरीन है। जो लोग नौकरी करते हैं शनि की सीधी दृष्टि में आ गए हैं, परेशानी हो सकती है। नौकरी करते हैं चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, ये समय थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है आपके लिए और आपको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। उल्टे पुल्टे कार्य ना करें, जो भी करें बहुत ही संभल कर करें। भाग दौड़ बढ़ने की भी संभावना बन रही है और हो सकता है आप जन्म स्थान से थोड़े दूर चले जाना पड़े। अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर, बैंकिंग या अकाउंटेंसी के कार्य करने वाले में से हैं तो ये समय आपके लिए हालांकि उत्तम है, पर आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर यहाँ पर रखना है। टीवी, फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, मॉडलिंग वाले क्षेत्रों में आपको लाभ होगा, यानी इस क्षेत्र में है तो आपके लिए ये उत्तम समय है। आप अपने हुनर से पैसा कमाएंगे और आपका रुतबा, दबदबा बढ़ेगा। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो बहुत ही उत्तम समय है, नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, आप प्रयास करें। दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट भी हो सकता है। अगर आप सोना या खेल कूद संबंधी बिजनेस में हैं या नौकरी में हैं तो यहाँ भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। साथ ही विदेश से लाभ होगा, यानी कि दूर स्थानों से लाभ होने की संभावना बनी हुई है। चाहे आप बिजनेस करते हो या फिर नौकरी करते हो, दोनों ही दिशा में पैसे कमाएंगे। विदेश से लाभ, विदेशियों से भी लाभ और विदेश स्थानों से भी लाभ। दोस्तों, अगर हम बात करें बिजनेस की तो व्यापारियों के लिए ये समय अच्छा बना हुआ है। दूसरे भाव का शुक्र धन देने को तैयार बैठा है, धन वर्षा कराएगा। कला, ग्लैमर, मीडिया, फिल्म वाले क्षेत्रों में पैसा कमाने के लिए अच्छा समय है। अगर आप कॉस्मेटिक्स संबंधी कोई व्यापार करते हैं या फिर पार्लर है या महिलाओं से संबंधित कोई भी व्यापार करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा है। होटल, ट्रेवल, हीरा मोती, चांदी, चावल, चीनी, दूध, इन सभी व्यापार से भी लाभ होने की संभावना दिख रही है। दोस्तों, यह समय सरकारी कार्य बनने का है। आपके सरकारी कार्य जो भी अभी तक अटके हुए थे, रुके हुए थे, वो बन जाएंगे। तीसरे भाव का बृहस्पति भाग्य में बढ़ोतरी कर रहा है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। शिक्षा संबंधी कार्यों से लाभ होगा और अगर आप सोना के व्यापारी हैं, सोना बिक्री करते हैं तो ये अच्छा समय है। शेयर मार्केट से भी लाभ मिलेगा, लेकिन नवंबर प्रथम सप्ताह तक ही आपको मिल रहा है यहाँ पर शेयर वगैरह से लाभ, बाद में आप इन सभी चीज़ों में ना पड़े। भूमि, भवन, वाहन इस समय ना खरीदें वरना आप फंस जाएंगे, आपको लॉस होगा, अच्छा समय नहीं है। दोस्तों, अगर हम महिलाओं की बात करें तो अच्छा समय है। आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे और सभी कार्य आपके सफल रहेंगे। आप जो भी कार्य हाथ में लेंगी वो पूरा करके ही रहेंगी, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। दोस्तों, अगर आप विवाह के योग्य हैं तो आपकी यहाँ पर शादी होती हुई दिख रही है या फिर शादी तय हो जाएगी। दोस्तों, यह समय अच्छा है, उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होगी। अगर आप लव रोमांस के रिलेशनशिप में हैं तो यह समय अच्छा नहीं है, आपस में अनबन हो सकती है, मनमुटाव हो सकती है, इसलिए यह समय थोड़े सावधानी से रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध कम करें और थोड़े से रिश्तों में स्पेस की ज़रूरत है, स्पेस दें। दोस्तों, अगर हम संतान की बात करते हैं तो 6 नवंबर तक संतान की प्राप्ति हो सकती है। बाद में ग्रहों की स्थिति नहीं है वैसी और ग्रहों की कृपा भी आपको नहीं मिल पा रही है। संतान अगर है तो उस पर आप ध्यान दें और बच्चों को खुशहाल रखें, उन्हें डांट डपट उनके साथ ना करें, उनका मनोबल ऊंचा रखें, क्योंकि बच्चों के इस समय
चिड़चिड़े होने की संभावना थोड़ी सी दिख रही है। तो आप बच्चों पर आपको केयर करना है बच्चों का और ध्यान भी देना है दोस्तों। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, अच्छा समय है, आप इसमें खुश रहेंगे और हो सकता है आप यात्रा भी करें। दोस्तों विद्यार्थियों के लिए ये समय 6 नवंबर तक का अच्छा है, पर बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, इसलिए इस समय अगर आप गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं इस पूरे महीने, तो आपकी बुद्धि सही समय पर सही दिशा में सही डिसीजन ले पाएगी और आप कार्य करने की स्थिति में रहेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, मानसिक टेंशन भी आपका दूर हो जाएगा। तो इस महीने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा आपको, भाग्य आपका साथ 90% साथ निभा रहा है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यात्रा की, तो आप खूब यात्रा करेंगे, आपको यात्रा से लाभ भी होगा, विदेश यात्रा कर सकते हैं, संभावना बनी हुई है। अगर आप व्यापारिक यात्रा करते हैं तो ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा, विदेश से लाभ होगा, विदेशियों से भी लाभ होगा और विदेशी अगर से व्यापार करते हैं तो वहाँ भी लाभ के योग बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों एक बात है, शनि चालीसा का पाठ आप ये पूरा महीना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं कर सकते हैं ऑडियो डाउनलोड कर लें और आराम से शाम के समय सुने पूरे परिवार के साथ। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।